वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल indiabird.com। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हमने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का वेबसाइट खोल के रखा हुआ है। तो आज आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना हूँ जो कि आपके पेपर का वेट कर रहे थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही आप PPSC के साइट खोलेंगे फ्रेंड्स, अवेलेबल है, आप हमारे थंबनेल में देख चुके हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो BPSC असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल, जो कि एडवर्टीजमेंट नंबर आपका 3/2017 था, और सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो कि एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2017 था, उसका मेंस एग्जाम का आप लोगों का शेड्यूल रिलीज हो गया है। यानी कि कब, किस डेट में और कितने बजे से एग्जाम होंगे, वो सभी यहां पे दे दिया गया है। तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। और कंफ्यूज ना हो, ये नया वाला वैकेंसी का नहीं है। जो भी नया वाला वैकेंसी है उसका आपका जो वो था वो 2019 था, तो इसमें आप कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो 2/2017 था, इसका मेन्स एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है और उसके आंसर भी रिलीज कर दिए गए हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में डिटेल में कि आपका कब शेड्यूल है। तो इस वीडियो को देख लें या तो डाउनलोड करके आप रख भी सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से हम लोग। तो यहाँ पे देखो, आपको दिया हुआ है, पूरा बताया गया है सहायक अभियंता किसके किसके लिए था, 3/2017 के लिए और 4/2017 के लिए, जो कि आपके सिविल के लिए है 4, और 3 जो है आपका मैकेनिकल के लिए है। तो आपका जो पेपर स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो मेंशन किया उन्होंने कि आपको 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5/8/2019 से, और ये चलेगा जो आपके 9/8/2019 तक। ठीक है फ्रेंड्स, आपके 4-5 दिन पेपर चलेंगे। तो अब आपके टाइम काफ़ी कम बच गए हैं, समझ लीजिए अब आज का 18 तारीख है, तो आपके पास मात्र 15 दिन ही है मैक्सिमम मान के चलो। तो 2 बैठकों में किया जाएगा, ठीक है ना, इन्होंने बताया है कि 2 बैठकों में किया जाएगा। तो जो परीक्षा तिथि है जो 5/8/2019 जो सोमवार को है, देखो विज्ञापन संख्या दोनों के लिए, यहाँ पे 3 और 4 दोनों के लिए, इसमें क्या है, सामान्य हिंदी जनरल हिंदी और सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश। आपका जो पहला पेपर होगा वो 10 बजे से लेके 1 बजे होगा, और जो दूसरा पेपर जो होगा फ्रेंड्स वो आपके 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। यानी कि जो हिंदी और जो इंग्लिश का पेपर है वो आपके कितने कितने घंटे के हैं, 3-3 घंटे के हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है 6 तारीख को, यानी कि मंगलवार को, तो यहाँ भी आपको सामान्य अध्ययन जो कि जनरल स्टडी है, ये आपके 3 घंटे के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे फ्रेंड्स। और इसमें जनरल स्टडी में आपको देखना होगा, हमारे चैनल से पुराने पेपर देख सकते हैं कैसे आते हैं, यानी कि 02/2017 वाले जाके आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे, या डाउनलोड भी कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के, जहाँ से आप हिंदी इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ के पेपर को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स हाँ, जनरल इंजीनियरिंग साइंस के भी देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ईजी होगा, और थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग प्रिपरेशन कर लिए होंगे। तो ये जो पेपर है 7 से जो आपका जो मेन पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, इसमें आपको देख सकते हैं कि टाइमिंग भी चेंज है, यहाँ पहले 10 से था लेकिन अब यहाँ पे आपके 11 बजे से 12 बजे होंगे, यानी कि 1 घंटा आपको मिलेगा केवल ऑब्जेक्टिव के लिए। इसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स, ठीक है, क्या क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे जनरल इंजीनियरिंग साइंस के आपके होंगे। और उसके बाद जो आपके हैं यहाँ पे जनरल इंजीनियरिंग साइंस के, ये आपके सेक्शनल होंगे जो कि सब्जेक्टिव टाइप होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा फ्रेंड्स, ये देख सकते हो आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव देख सकते हो, ये वाला सब्जेक्टिव पेपर होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका 8/8/2019 को 3 एडवर्टीजमेंट नंबर और 4 एडवर्टीजमेंट, देखो अब अलग अलग हो गया, ये दोनों आप लोगों के सेम रहेंगे जनरल इंजीनियरिंग साइंस, क्योंकि मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए पढ़ने हैं। अब जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर 1 होगा, जो कि आपके एडवर्टीजमेंट नंबर 3 है, पेपर 1 में क्या होगा आपका, जो भी जो सब्जेक्ट है मैंने मेंशन कर दिया है और उनके आपको सिलेबस देखना है, उसके भी हमारे चैनल पर जाके ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर आपके जो 3 है या 4 के लिए उसका, नहीं तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इस वीडियो के नीचे में आपको लिंक रहेंगे सभी, वो आप उसको देख लेंगे फ्रेंड्स, जिससे आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा क्या क्या है पेपर 1 में इंजीनियर जनरल इंजीनियरिंग में आपके क्या है, और आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर 1 में क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर 2 में क्या है। तो यहाँ पर देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव भी होंगे, यानी कि उसी दिन होगा आपके 1 घंटे के गैप पे, 12 बजे तक होगा, 12 बजे से 1 बजे तक का गैप रहेगा, और 1 से 3 बजे यानी कि ये जो पेपर है आपके जो सब्जेक्टिव वाले वो 2 आवर के हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स आपके फिर इसी तरीके से असैनिक, यानी कि आपका ये जो सिविल इंजीनियरिंग का हुआ उसका रहेगा पेपर, इस तरीके से लिए जाएंगे पेपर। फिर से आपका आ जाता है 9 को आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होगा फिर से पेपर नंबर आपका 4, यहाँ भी पेपर नंबर आपका 4 होगा, और ये जो होगा आपका क्या होगा फ्रेंड्स, सेक्शनल सब्जेक्टिव होगा, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, कुछ दिन में इनको सही से देना चाहिए था, लेकिन आप लोग देख लेना। फिर 4 पेपर नंबर होगा सिविल इंजीनियरिंग का, सेक्शनल ऑब्जेक्टिव होगा यहाँ पे, फिर सब्जेक्टिव होगा उसके बाद।
तो इस तरीके से इन्होंने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है फ्रेंड्स। इसको अगर स्क्रीनशॉट काट के अपने साथ रखना चाहते हो तो रख लो, नहीं तो इसको डाउनलोड करके रख लेना, आप लोगों के लिए सही रहेगा। और देखो यहाँ पे इन्होंने एडमिट कार्ड के बारे में बताया है कि उपयुक्त परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित तिथि के एक सप्ताह पूर्व, यानी कि आपके 5 तारीख है तो आपको 30 तारीख से पहले आपके एडमिट कार्ड आपके पास होंगे, जिन्हें डाउनलोड कर उम्मीदवार परीक्षा में भाग ले सकते हैं। उम्मीदवारों को डाक से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएंगे, ये इसलिए लिखते हैं फ्रेंड्स क्योंकि पहले भेजे जाते थे, अब नहीं भेजे जाते हैं। तो आप इसको डाउनलोड करके आप रख सकते हैं अपने पास और देख सकते हैं आप अपना। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट जो लिंक्स रहेंगे फ्रेंड्स वो आप लोग देख लेना, और प्लेलिस्ट भी मैं दे दूंगा जिसमें आपके जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और ये सब भी रहेंगे। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, कोई भी इससे अपडेट आएगा मैं आपको हमेशा बताते रहूंगा वीडियो के थ्रू। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को भी प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन जाता रहे। तो थैंक्स फ्रेंड्स, हैव ए ग्रेट डे।